छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा में सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ की काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। आपको बता दें कि हड़ताल के समर्थन के लिए आज पौड़ी ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रीति कंवर कर्मचारियों के बीच पहुंची। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की मांगे जायज हैं, मैं आप लोगों का समर्थन करती हूं। उल्लेखनीय है कि सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ की काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी पिछले 7 दिनों से चल रही है। बता दें कि सचिवों द्वारा नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर यह धरना चल रहा है। पंचायत सचिवों की काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार से नियमितीकरण की मांग की जा रही है, जिसे आज तक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिस कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वही सचिवों की मांग है कि शिक्षा कर्मियों की तरह ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित किया जाए, साथ ही 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण करने की भी मांग की है। नमस्कार, मैं प्रीति कंवर, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 12 से पौड़ीपोड़ा से। आज मैं यहाँ सचिव संघ और रोजगार सहायकों का समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जो भी उनकी मांगे हैं विभागों को लेकर, उनका मैं साथ देती हूँ और यहाँ समर्थन करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। धन्यवाद जी। मैं राजकुमार रजक, सचिव संघ जिला सलाहकार एवं ब्लॉक सलाहकार जी। मैं आज हमारे इस मंच पर हमारे क्षेत्रीय जिला सदस्य महोदया पधारी हमारे समर्थन के लिए, उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो एक सूत्री मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात सरकारीकरण का, और हमारे छोटे भाई जो रोजगार सहायक हैं उनका जो लंबित मांग है उसको सरकार को विचार करते हुए पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिन से संघर्षरत हैं और आशा करते हैं कि हमें और ज़्यादा सरकार जो है परेशान ना करे, ना लड़ाई लड़ना पड़े, ताकि हम सरकार का काम को अच्छे से कर सकें। आज हमारी काम के वजह से सरकार वाहवाही लूट रही है, केंद्र से अवार्ड ले रही है, विश्व से अवार्ड ले रही है। सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार शिक्षा कर्मी भाइयों का संविलियन करते हुए सरकारीकरण कर दिया है, उसी प्रकार पंचायत सचिव रोजगार सहायकों का भी सरकारीकरण कर देना चाहिए। और आशा है कि सरकार सुनेगी, लेट जरूर हो रहा है, उसके बाद भी हम नहीं सुनेगी तो आगे जाकर रणनीति को और बढ़ाएंगे। कर्मिक भूख हड़ताल आमरण अनशन तक जाएंगे हम। सरकार अगर सोच रही होगी कि सचिव और रोजगार सहायक हफ्ता 15 दिन बैठेंगे, उब जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस बार सचिव संघ, रोजगार सहायक संघ आर पार के मूड में है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यही सरकार था जब विपक्ष में थे, हमारे पंडालों में हमारे मंच पर आकर बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन का बात है, ये तो 10 दिन में हम इनका मांग पूरा कर देंगे, सरकारीकरण कर देंगे, कोई ज़्यादा का बजट नहीं है। लेकिन आज जब हमारे मांग आ रहा है तो सरकार के पास बजट की कमी है। ये बड़ा सोचनीय बात है कि जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो उनको बहुत सारा खजाना में लगता है कि जो सरकार है वो नहीं कर रही है, हम आएंगे तो कर देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा कर दें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.